नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हम लोग बात करेंगे, अरे वो 45 दिन के बैटरी वाला 4 DB हार्ड डिस्क वाला फोन। जी आपने सही समझा, लिनोवो Z5 के बारे में। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं लिनोवो के Z5 के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग से कुछ अलग ही फोन आते आ रहा था, फिर लास्ट में कुछ अलग हो गया, फिर एक्चुअल जब रिलीज हुआ तो कुछ अलग हुआ। जैसे बेजल पहले नहीं था और जब तक रिलीज हुआ तब तक उसमें कुछ कुछ बेजल आ गए, ऊपर नीचे दोनों साइड में, ठीक है। बैटरी इतना इतना इतना, लास्ट में क्या मिला 3300। हार्ड डिस्क कितना मिला 4 TB बोला गया, मिला कितना अंडा, ठीक है। तो चलिए इस पर और डिटेल से हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या हुआ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो लिनोवो वालों ने क्या किया, अपने कस्टमर को झूठ बोला, अपने जो मीडिया में है उसमें हाइप किया झूठ बोल के, ठीक है। तो ये ठीक बात नहीं है, लेकिन अगर इस जो चीजों को अलग करते हैं तो फोन जिसने उसने लॉन्च किया है लिनोवो ने काफी तगड़ा है। लेकिन तकलीफ इसलिए होता है कि हम लोग उम्मीद कुछ अलग बता के बैठे थे, जैसे 4 TB का हार्ड डिस्क देखने जा रहे थे कि कैसा फोन आने वाला है 4 TB हार्ड डिस्क, उसमें कुछ निकला ही नहीं। तो इस तरह से जो तकलीफ हुआ, मतलब जो दुख हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है, कंपनी फ्रॉड कर रही है, झूठ बोल के मार्केट में हाइप कर रही है, तो ये अच्छा नहीं लगता। चलिए तो बात कर लेते हैं कि हम लोग इसके पूरा डिटेल्स में कि क्या मिला आपको, कब से मिलेगा और कितना प्राइस है, ठीक है। दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले 6.2 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, ठीक है। अब इसमें जो डिस्प्ले है, पहले बोला गया था कि बेजल नहीं है, तो मैं एग्जैक्ट जो मार्क है कितना बेजल है ऊपर और नीचे ये मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर में 26.17 का नॉच है, 26.17 मिलीमीटर का नॉच है। नीचे की अगर बात करते हैं 7.69 मिलीमीटर का बेजल है, ठीक है। तो ये कहीं से भी बेजल लेस फोन नहीं होता है, इतने बड़े बड़े जो बेजल ऊपर नीचे है, ठीक है, तो ये है। लेकिन अगर आप जब देखेंगे कि अगर इसके डिस्प्ले के बारे में, तो 6.2 इंच का फुल HD प्लस का है, तो काफी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर अब बात करते हैं इसका प्रोसेसर कौन सा है। प्रोसेसर इसमें 636 से जो प्रोसेसर है अच्छा पावर देता है और इसका जो मतलब जो परफॉर्मेंस मिलता है बराबर मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी बात कर लेते हैं 6 GB और 64 GB का एक वेरियंट में आएगा, जिसका प्राइस रहेगा 14,700 रुपया के आसपास इंडियन मनी में। और दूसरा जो हायर इसका वेरियंट आएगा जिसमें 6 GB 128 GB का जो वेरिएंट रहेगा उसका दाम रहेगा 18,900। तो मतलब प्राइस के हिसाब से और जो फीचर देख रहा है वो बराबर है, मतलब अच्छा टक्कर देगा जो मार्केट में अवेलेबल फोन है। बस यहाँ पर गलती यही अगर कर लिया कि फोन से उम्मीद ज्यादा हम लोगों ने बना लिया और निकला कुछ नहीं। इसमें जो रैम है वो रैम काफी अच्छा DDR4X का जो नया लेटेस्ट जो रैम होता है उसका है, तो ये काफी फास्ट होगा कंपेयर टू DDR3 में, ये तो आप सब जानते हैं। इसके अलावा इसमें 3300 mAh की बैटरी है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। कैमरा सेटअप पीछे में डुअल है 16+8 मेगापिक्सल का और जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में सक्षम है, ठीक है। इसके अलावा इसका फ्रंट है 8 मेगापिक्सल का, जिसका दोनों का अपर्चर है 2.0, ठीक है। तो लो लाइट में भी अच्छा फोटो मिल सकता है आपको, ये उम्मीद कीजिए आप। इसके अलावा मैं बता रहा इसमें मेमोरी कार्ड का एक्सपेंडेबल का भी ऑप्शन है, तो आप उसमें कोई भी ये लोगों ने कटौती नहीं किया है, जो जो मिलना चाहिए इस प्राइस में दिया गया है। इस फोन में 4G LTE सब चीज मिलता है। इसके अलावा इसमें टाइप सी सेंसर जो चार्जिंग सेंसर होता है वो भी मिलता है और अप्रोक्स सारे सेंसर जो जरूरत के होते हैं वो मिल जाता है इस फोन में। बस इसका वजन की बात बता दे रहा हूँ, 165 ग्राम का है। तो अब बात करिए जिसने बोला था और ये मिला है, जो मिला है उसको अगर इग्नोर करिएगा और जो बोला था वो इग्नोर कीजिएगा, दो अलग अलग इग्नोर कीजिएगा, तो जो अभी मिला है वो काफी वैल्यू फॉर मनी है और जो बोला है वो झूठ था, ठीक है। तो ऐसा फालतू का हाइप करके कोई फायदा नहीं हुआ, इससे कस्टमर को ही और मीडिया में भी झूठा ये फैल गया कि ये कंपनी ऐसी करती है। बट मैं चाहता हूँ कि कंपनी समझे इस बात को और जो है वो डायरेक्ट टीज करे, जो दिखाए, लेकिन जो काम किया है काफी अच्छा है, मार्केट में अच्छा ये काम करेगा, अच्छा जो कॉम्पिटिशन है मिलेगा। जल्दी से होप करते हैं कि इंडिया में आए। और इसके साथ दो और फोन लॉन्च किया गया है, लिनोवो का A5 और लिनोवो का K5 नोट, ठीक है। ये दो फोन आपको भी मिलेगा, ये बजट कैटेगरी का है, इसका एक अच्छा प्राइस है, अगर चाहेंगे तो बोलिएगा, हमें इसका अलग से एक वीडियो बना देते हैं। बट अभी के लिए इतना ही, बताइएगा हमें वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और फ्यूचर में ऐसे ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर वापस आइएगा। थैंक यू, बाय बाय।